हाय गाइस, वेलकम बैक टू डिस्टेंस रूटीन। मैं हूं शुभम और मेरे साथ में है बैक में पूजा। और आज मैं आपको दिखाऊंगा एक टाइनी हाउस जो कि आपको एक फॉरेन वाला कल्चर यहां पर दिखेगा ऋषिकेश में। ऋषिकेश की धरती पे ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट है जो आपने अभी तक नहीं देखा होगा, आज आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आप कैसे स्टे कर सकते, क्या यूनिकनेस है, कैसे ये फॉरेन वाला लुक रख रहा है, और ये एक तरह से रखा हुआ हाउस है जो कि आप शायद फॉरेन वगैरह में देखते हैं। तो क्या खर्चे हैं यहाँ के, क्या चार्जेस हैं और क्या सुविधाएं हैं, हर एक छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हमेशा की तरह मैं आपको दूंगा। तो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर ना भूलिएगा। आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं। तो आइए मेरे साथ घूमिए। डी क्वीन मेन ऋषिकेश से लगभग 30 किलोमीटर दूर कौडियाला नाम की जगह पर पड़ती है। डी क्वीन की प्रॉपर्टी की लोकेशन बड़ी मजेदार है, मतलब आप कौडियाला में आते हैं, ऋषिकेश से आगे एक जगह पड़ती है और ये आप देखेंगे ऑन रोड ही यहाँ पर प्रॉपर्टी है। इधर ये रोड गई है और यहाँ से बस चढ़ के आप सीधे यहाँ पर अंदर एंटर हो जाते हैं। और यहाँ पर आते ही आप देखेंगे पार्किंग के लिए भी यहाँ पर अभी की सिचुएशन में आप देख रहे होंगे चार कार यहाँ पे खड़ी है और भी जगहें यहाँ पर खाली पड़ी हुई है। तो ये सुविधा यहाँ पे अच्छी है कि पार्किंग की जगह अच्छी है और ऑन रोड प्रॉपर्टी है। डी क्वीन के अंदर आते ही आपको रंग बिरंगा सा एहसास होगा क्योंकि यहाँ के सभी टाइनी हाउसेस अलग अलग कलर के हैं। डी क्वीन में मेरा वेलकम हुआ बढ़िया से चाय नाश्ते के साथ। डी क्वीन के अंदर जब आप आते हैं तो सबसे पहले आपको कुछ इस तरह का व्यू दिखता है और यहाँ पर अलग अलग कलर्स के आपको सबसे पहले कॉटेज सुंदर सुंदर से दिखेंगे। ये रेड कलर का, ये ग्रीन कलर का, येलो कलर का, बिल्कुल जैसे फॉरेन में होता है ना, कुछ वैसा ही लुक आएगा। और बाहर के गार्डन में यहाँ पर ये सोफ़ा वगैरह रखा हुआ है, चेयर्स वगैरह हैं जहाँ आराम से बैठ सकते हैं, आप कुछ खा पी सकते हैं। यहाँ झूला भी लगा है और ये जकोजी टाइप का भी है जिसमें आप नहा धो सकते हैं। तो यहाँ पे आप आराम से बैठें, आप इवनिंग में स्नैक्स लें, ब्रेकफास्ट करें मॉर्निंग में, और पूरा ये बहुत कलरफुल सा आपको यहाँ पर दिखेगा। और अगर बात की जाए यहाँ की तो ये आप देखोगे ये एक एरिया बना हुआ है जहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप की बुक्स वगैरह भी दिखेगी और यहाँ पर लूडो वगैरह और गेम्स वगैरह कई सारे रखे हुए हैं। जैसे कि अगर आप बच्चों के साथ आते हैं तो यहाँ पर आराम से उनके साथ भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और इस तरह के यहाँ पर टोटल 5 बने हैं। ये कॉटेज है रेड, ग्रीन, येलो, और इधर ये है ब्लैक जो कि मेरा वाला है और ये सबसे लग्जरी वाला है जिसमें ऊपर भी रहने का है, और ये है ब्लू कलर का। सबके आगे इस तरह का ये लगा हुआ है, आप देख रहे होंगे पूरा का पूरा चेयर वगैरह लगी हुई है, तो पूरा इस तरह का यहाँ पे बना हुआ है। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये सामने आपको जस्ट गंगा नदी दिखती है और यहाँ पे रोड भी है। तो पूरा ये एरिया है इतना बड़ा सा, यहाँ से लेके ये आपको जहाँ तक दिख रहा है वो पूरा एरिया है जिसमें पूरे रूम्स वगैरह बने हुए हैं। बाकी मैं अंदर से आपको दिखाता हूँ कि रूम्स कैसे हैं। मेरा रूम तो येलो वाले के पीछे ब्लैक वाला था, बढ़िया वाला लिया था, इसको मैंने थोड़ा दूसरा वाला दिलाया है, ये रेड वाला। तो बताओ कैसा है ये रूम और ये रेड क्यों लिया है? रेड लिया है मैंने, ऑप्शन येलो का भी था तो मैंने चूज किया रेड कलर बिकॉज ये है जीत की निशानी। ओके, और अभी मुझे जीत की बहुत ज्यादा जरूरत थी क्योंकि मेरी जॉब जाने वाली थी, इसलिए मैंने ये कलर चूज किया। ओके, तो देखते हैं यहाँ से इनकी जॉब मिलती है कि नहीं। यहाँ पे झाड़ू पोछा कर सकती हो? वही करूंगी। ओके, इसमें पूरा रूम वाला फील है, मतलब ये पूरा का पूरा एक घर है, मतलब जो बोलते हैं ना जो कंसेप्ट है इनका बेसिक टाइनी हाउस जैसे। इधर बेड लगा हुआ है, वुडन का आर्किटेक्चर है, घड़ी भी लगी हुई है, मतलब पूरा प्रॉपर रूम है। और उसके अलावा घड़ी आजकल मिलती नहीं है वैसे रूम में, ये तो है हाँ, क्योंकि ये पर्सनल सेटिंग वाला रूम है। ओके, और ये वॉशरूम,
बिल्कुल प्रॉपर जैसे होटल वाला होता है, ये वाला रूम वैसा ही है, आपके जैसा नहीं है, इसमें और नहीं है वो वाला, मेरा तो एकदम बढ़िया वाला है। जो भी यहाँ पर रूम ले वैसे वो सभी में कुछ ना कुछ खास है, कुछ ना कुछ अमेजिंग है, अलग है बिल्कुल, और हर रूम का अलग अलग कंसेप्ट है। ये वाला सच में, ये वाला रूम थोड़ा वो होटल वाला जैसा होता है ना, पूरा वैसी छत वगैरह बनी है, नहीं तो किसी में हाउसेस टाइप में बना हुआ है, हट टाइप में बना हुआ है, अलग अलग है, कोई कॉटेज है, हाँ कोई जो है लास्ट ब्लू वाला, वो बिल्कुल अलग है, वो अलग है, वो भी थोड़ा सा होटल वालों का, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा बनाया गया है। और अगर फैमिली भी आ रही है लाइक, तो भी मतलब कंप्लीट सारे रूम्स को बुक करा के अलग अलग रूम ले सकते। सो आप अपना प्राइवेट टाइम इसमें बिताइए। डी क्वीन का कॉन्सेप्ट इको फ्रेंडली है, और आइए जानते हैं कैसे। डी क्वीन को जिन्होंने डेवलप किया है पारुल जी ने, जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इनको बेस्ट एंटरप्रेन्योर का अवार्ड भी मिला हुआ है, और यहाँ पर इन्होंने इसको कैसे डेवलप किया वो मैं अब बात करूँगा। तो कैसे ये आइडिया है और क्या चीज़ें ये थी, मतलब क्यों किया ऐसा? मेरा एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन था, मैं एक बार गोवा गई थी। अच्छा। तो वहाँ पर मेरे को वो जगह बहुत पसंद आई, पर प्रॉपर्टी इतनी एक्सपेंसिव थी, मैंने कहा भाई मैं इस जन्म में तो खरीद नहीं सकती, अभी अगर मैं उसमें घर बनाती तो कम से कम मेरे को 1 या 1.5 करोड़ का घर घर बनाना में लग जाएगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में बहुत चलता है, इसको कहते हैं टाइनी होम कॉन्सेप्ट। ये कंटेनर होम्स जो होते हैं ना, हाँ, उससे उससे भी प्रभावित होते हैं। हाँ, तो आप अगर ये वाला स्ट्रक्चर एक देखेंगे जो हमारा एमरल्ड स्ट्रक्चर है, तो हमने ये आइडिया लिया कि अगर हम इसको उसी साइज में बनाएंगे तो इसको हम फैक्ट्री से बनाकर क्रेन से उठाकर उसी साइज के उसी कंटेनर के ट्रक के अंदर लोड करके यहाँ पर ला के खड़ा कर सकते हैं। तो ये सारा ये ट्रक पे आप ले आके यहाँ? बिल्कुल, ये ट्रेलर्स, ये 40 फुट का यूनिट ट्रेलर के 40 फुट के ट्रेलर पे आया है, 2 क्रेनों से उठा है और यहाँ पर लाके हमने उसको रख दिया। हॉलीवुड मूवी में ऐसा देखा था ये सब चीजें, ये कॉन्सेप्ट, मतलब वो रोड पे जाते रहते हैं पिकनिक विकनिक, पूरा का पूरा घर लेके ही ट्रांसपोर्ट करके जाते हैं, तो वो चीजें यहाँ पे रियलिटी में दिख रही है और यहाँ पे खड़ा है वो घर। कुछ अंदर से आप दिखाना चाहेंगे? मैंने तो देखा है, बट ये इस टेक्नोलॉजी के अंदर हमारी बहुत बहुत अच्छी इंसुलेशन जाती है। अच्छा। जिसकी वजह से ये घर इस गर्मी में भी, क्योंकि सारा लोहे का स्ट्रक्चर है, ठंडा रहता है अंदर से। तो ये आप जो देख रहे हो इस यूनिट में, ये सारी टाइल्स, बाथरूम, लाइटें, दीवारें, ऐसे ही दरवाजे, खिड़कियां हमारी फैक्ट्री से बनकर आई हैं एज इट इज़। हमने साइट पे 1% का काम नहीं किया है। तो आपको मैं एक बेडरूम में लेके जाती हूँ, इसको हम लवी डवी रूफ कहते हैं। ओके। तो ये जो रूफ आ रही है आपके 2 बेडरूम में, स्लोपिंग रूफ है, और इसके बीच में ऊपर टेरेस जाती है जिसका हम यूनिट बाहर से बनाने वाले हैं। तो अगर आपकी बड़ी फैमिली है, जैसे पेरेंट्स है, 2 बच्चे हैं, तो आप ये कॉटेज आराम से ले सकते हैं, इसमें बच्चे भी रह सकते हैं। एंड आई एम अ वेरी पेट फ्रेंडली पर्सन, तो अगर आपके साथ एक पेट है तो हमने उसकी भी जगह बनाई हुई है कि वो भी आके यहाँ पर बीच के कमरे में सो सकता है। आप बेड देखोगे तो ये भी एकदम मुझे तो लग रहा है फॉरेन वाली फीलिंग आ रही है। अब देखो एकदम नीचे वाला बेड है, इतना छोटा सा। अब मैं आपको इस बेड की भी खासियत बताती हूँ। ये बेड्स हमने रीयूज्ड शिपिंग कंटेनर्स के जो बॉक्सेस होते हैं उससे बनाए हुए हैं, रीयूज्ड। ये शिपिंग कंटेनर्स शिपिंग डॉक्स पे फेंक दिए जाते हैं सड़ने के लिए, और वो कबाड़ी वाला लेके जाता है। हमने वहीं से उनसे खरीद कर इसको वापस रिफर्बिश कर इन बेड्स को बेड की तरह यूज किया है। और ये आप यहाँ पे जो रूम देखेंगे पूरा एयर कंडीशन, यहाँ पे जितने भी हैं रूम्स एयर कंडीशन है, और जो इंटीरियर्स भी है वो भी बहुत बढ़िया से बनाया गया है। बहुत अच्छे से मुझे बताया पारुल जी ने कि कैसे ये पूरा डेवलप किया धीरे 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 करके, और सही बात है, एक फ्यूचर की चीज़ यहाँ पर मुझे देखने को मिली, क्योंकि ये चीज़ें आप अपने घर में अपनी प्लॉट भी हो तो वहाँ पे भी इंस्टॉल कर सकते हो बहुत आराम से और बहुत सस्ते में। इसके रेट्स भी आप ऐसे समझ लो कि 5 से लेके 10 लाख के बीच में अलग अलग, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है वैसे आते हैं ये पूरे के पूरे आप कंटेनर, पूरे टाइनी होम्स।
सो ये बहुत अमेजिंग चीज है और मुझे फ्यूचर दिखता है इसमें। जैसा डिजाइन चाहो, जो कलर चाहो, जैसी इंटीरियर्स चाहो, सब बन जाता है। क्योंकि हम लोग इस, मेरा ये पैशन है इसको डेवलप करना, मैं इसको बहुत प्रोफेशनली नहीं लेती हूँ, पर अगर हाँ कोई मेरे से लेना चाहे तो उनके साथ हम पूरा बैठ के कस्टमाइज करते हैं। ये जगह मेरे लिए बहुत खास है, एक तो गंगा जी बिल्कुल सामने है, मौसम इतना सुंदर है यहाँ पर और मेन रोड पे है। यहाँ पर अगर मैं कंस्ट्रक्शन करती तो हमारे को वो कंस्ट्रक्शन दूसरी कंस्ट्रक्शन से अलग ही नहीं होती, वो सेम हो जाती, इसलिए हमने ये कॉन्सेप्ट रखा है जहाँ हम चाहे इन्हीं कॉटेजेस को जब मर्जी उठाकर कहीं पर भी और लेके जा सकते हैं। तो ये पैशन की चीज है जो प्रोफेशन बनी है और वो दिखता है जब उसमें इन चीजों में जो प्यार है ना वो दिखता है, जिस प्यार से सलीके से इसको बनाया गया। खूबसूरती आप देखोगे जब सामने से ना, लगोगे कि लगेगा कि कुछ अलग जगह पे आप आ गए हो, और फीलिंग एकदम और जो वाइब्स होती है ना वो एकदम मस्त वाली आपको आएगी। डी क्वीन में शाम को लाइटिंग्स होने के बाद ये और भी खूबसूरत हो जाता है, और म्यूजिक के साथ आप अपनी शाम को बेहद खूबसूरत बना सकते हैं। जब आप यहाँ पे रात को बैठे हो तो बढ़िया साथ में म्यूजिशियन हो और साथ में गिटार हो, वो फीलिंग ना अंदर से निकलने लगती है बाहर। He himself is a very good musician, an amazing singer. मतलब मजा आया। Talent man. Thank you so great, much. बहुत मुझे भी मजा आया। मतलब साथ में मैं भी एक जुगलबंदी। जुगलबंदी सही बात है। जुगलबंदी एक। नहीं नहीं। इसको कहते हैं रूदारी। Okay, रूदारी। रूदारी। जहाँ रू मिल जाए ना। रू मिल जाए। वो क्या बात है? वो फीलिंग आ जाती है और एक पॉजिटिव वाइब्स होती है ना वो निकल। अगर आप जैसे छुट्टी पर आए हैं, मतलब छुट्टियां तो लोग बहुत मनाने निकलते हैं, सो फ्रेंड्स वगैरह के साथ होता है, बट ये जो होती है ना कि अगर आप कभी बहुत फ्रस्ट्रेट हों, जो आजकल होता है जनरली, सो आप ऐसे लोगों और ऐसे साथ के बीच में जब बैठेंगे ना तो वो अंदर से निकलने लगेगा और आप फील करोगे पॉजिटिव खुद को। और जब आप वापस छुट्टी मना के अपने घर जाओगे तो कभी वैसे नहीं रहोगे जैसे आप आने के पहले। अब थोड़ा कम है ना, सूप गिर जाएगा। गिरने वाला है। ये चीजें यहाँ पे होती है। आप लोगों को हिडन टैलेंट समझ आ रहा है। He is an amazing singer. He is an amazing guitarist. And I wish you all the best, man. He is an amazing soul. और यही जो है वैसे ही दिखते हैं सबको। So, अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर जो सबसे कलरफुल येलो वाला रूम है वो। ये आप देखो, ये बहुत ही प्यारा सा रूम लगेगा आपको, डबल बेड रूम जैसा कि सभी है। बाहर यहाँ पे सोफा लगा हुआ है, इस तरफ एयर कंडीशन रूम है और यहाँ पे कबर्ड है, मिरर है, और इसका वॉशरूम भी दिखा देता हूँ मैं। हर जगह जैसे कि ये फ्लावर पॉट लगा रहता है वो है, और ये बढ़िया सा ग्लास वाला ये वॉशरूम है। स्पेस अच्छा खासा है इस रूम में, और मतलब काफ़ी यहाँ पे लाइट्स वगैरह आपको अच्छी लगेगी और ठंडक भी महसूस होगी क्योंकि इसको बनाया ही इस तरीके से गया है। फ्लोर आप देखेंगे तो यहाँ पे कारपेट वगैरह छोटी छोटी बिछी हुई हैं और काफ़ी प्यारा सा रूम है। टीवी वगैरह सब की सुविधा है। लाइटिंग्स वगैरह भी यहाँ की काफ़ी अच्छी है। ये आप इधर अगर देखोगे लाइटिंग्स है। अभी दिन है तो दिन में उतना समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन लाइटिंग्स वगैरह काफ़ी अच्छी यहाँ पर बनाई गई है। तो ये आपको पूरा रूम बहुत ही प्यारा लगेगा। ये बाहर से भी अच्छा लुक देता है और अंदर से भी येल्लो येल्लो वाला प्यारा सा लुक है। अब भाई स्टे तो शानदार है ही, साथ ही अगर यहाँ पर बैठ के आपका डिनर हो जाए तो क्या बात होगी ना। प्रॉपर्टी जो है उससे ठीक सामने एक मंदिर है, और मंदिर से आप आते हैं अगर नीचे तो आपको ये गंगा नदी का प्यारा सा सुंदर सा व्यू देखने को मिलता है, और यहाँ पर आप बैठ के डिनर वगैरह भी कर सकते हैं, उसका भी अरेंजमेंट है। और साथ ही ये शानदार व्यू, गंगा नदी और पीसफुल मोमेंट जो आप अपने फ्रेंड, फैमिली, गर्लफ्रेंड या फिर वाइफ के साथ यहाँ पर बिता सकते हैं। ये जो पूरा रिजॉर्ट है ये पूरी तरह से इको फ्रेंडली है, और यहाँ पर ये जो आप देख सकते हैं ये कैबिनेट्स हैं और इनको यहाँ पर इंपोर्ट किया गया है, और इसमें जो कहते हैं सीवर वगैरह है, मतलब वो गंगा में उसका पानी वगैरह नहीं जा रहा है, उसको प्रॉपर बनाया गया है, मेंटेन किया गया है, सीमेंट बालू का यूज़ नहीं किया गया है। जहाँ भी हो सका है ये सब आप देख रहे होंगे लकड़ी वगैरह के यूज़ किए गए हैं। इवन ये आप देखोगे यहाँ पर
पूरा ये पत्थर लगाए गए हैं, उसके ऊपर ये टिका हुआ है, मतलब पूरा बेस है। तो काफ़ी यूनिक कॉन्सेप्ट है, और इको टूरिज्म को एक तरह से अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं, प्रमोट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, और यहाँ पर आके मज़ा भी आ जाएगा इस प्यारी सी वादियों के बीच में। मतलब ऑर्डर किया था सिंगल सिंगल, ये डबल डबल आ गया है, और पनीर हो गया, दाल हो गया, हलवा हो गया, सैलेड हो गया, राइस हो गया, रायता हो गया, बिरयानी हो गई, रोटी हो गई, इतनी सारी चीज़ें हैं खाने में। मतलब डिनर बहुत ही, मतलब जो पैकेज है उसमें सारा चीज़ इंक्लूड है, ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है, और पूरा पैसा वसूल वाली चीज़ है यहाँ पर। यहाँ का एक सबसे खास रूम था जिसमें मैं रुका था, लेकिन इसके पहले आप यहाँ के बाकी रूम्स भी देख लें। जैसा कि ग्रीन रूम था, फैमिली रूम एक तरह से था, वैसे ही ये वाला भी ब्लू रूम भी आपको फैमिली वाला फील देगा। बाकी उसके सामने आपको व्यू बहुत ही शानदार सा दिखेगा, अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है, बहुत ही क्लियर और शानदार व्यू है। और इधर आते हैं रूम में अगर, तो ये आप यहाँ पे देखो रूम, ये रहा डबल बेड, और इधर आते हैं तो यहाँ पर कबर्ड है, और इसके बाद इस जगह पे ये वॉशरूम आप देखेंगे बड़ा सा है, और बिल्कुल नया सा सब कुछ बना हुआ है। अब यहाँ से अगर आप आते हैं तो अब फैमिली रूम किस तरह से, ये आप बड़ा बेड इधर देख ही रहोगे, उसी तरह से यहाँ बीच में डोर लगा हुआ है, और ये रहा दूसरा रूम। अब रूम में आप ये देखोगे फैसिलिटीज़ के लिए, यहाँ पे भी कवर्ड वगैरह है, एयर कंडीशन रूम है, इलेक्ट्रिक केटली वगैरह है यहाँ पर, और अच्छे अच्छे मैसेज भी लिखे हैं, स्विच ऑफ लाइट्स वगैरह, मतलब कि जाने से पहले अपने लाइट्स वगैरह यहाँ पे ऑफ कर दें, और एसी यहाँ पर भी है रूम में, और बाकी बाहर यहाँ पर चेयर्स वगैरह लगी है, तो आराम से बैठिए, और ये सोफ़ा वगैरह लगा हुआ है, ये काफ़ी अच्छा लुक देता है। और बाहर का ये पूरा यहाँ से व्यू, और सामने गंगा नदी। तो चलते हैं किचन में, तो ये रहे हमारे शेफ साहब। क्या खिला रहे हो आज आपको? मैं आज आपको कढ़ाई पनीर, दाल मखनी, ओके, और मिक्स रायता, ओके, खीर, ओके, और रोटी सांभर सलाद, ओके। तो यहाँ पर खास बात ये है, इसी को मैं बंद कर देता हूँ क्योंकि आवाज़ बहुत आ रही है। यहाँ पर जो भी खाना आपको मिलेगा वेजिटेरियन खाना मिलेगा, ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि मैं भी वेजिटेरियन हूँ तो मैं प्रेफर करता हूँ। और यहाँ पे साफ़ सफाई भी किचन में आपको दिखेगी, और काफ़ी अच्छा टेस्टी खाना भी खाने को मिलता है जो अब तक मुझे मिला है। अब आपको मैं यहाँ का सबसे बेस्ट रूम दिखाता हूँ, ये रहा वो रूम, ये रहा बेड, और ये रहा सोफ़ा वगैरह, लेकिन जो सबसे बेस्ट चीज़ है वो है यहाँ पर, ये आप देखो, ये रही वो प्लेस जहाँ पे आप एक क्वालिटी और रोमांटिक टाइम बिता सकते हैं। और काफ़ी सुंदर सा ये रूम है, ये ऊपर की आप देखो, यहाँ पे ग्लासेस वगैरह लगे हैं, और यहाँ पर आप जो कर्टेंस वगैरह देखोगे वो काफ़ी अच्छे से हैं। तो ये इस तरह का कुछ रूम है, और इधर आपको मैं वॉशरूम वगैरह भी दिखा देता हूँ। यहाँ का ये रहा वॉशरूम, सो काफ़ी मज़ेदार रूम है ये, और अगर कपल हैं सो आप यहाँ पर ये वाला रूम बुक कर सकते हैं, और इसके भी रेट्स वगैरह सेम ही हैं। सो ये अगर कपल है तो यहीं बुक करें, आपके लिए बहुत अच्छा मोमेंट आपको देगा। इस यूनिक से स्टे में आप ये देखोगे, यूनिक सी प्लेस है जहाँ पे बैठकर मैं मस्त एकदम वर्क कर रहा हूँ, बढ़िया लैपटॉप वगैरह यहाँ पे आप देख रहोगे वर्क, और आगे है बढ़िया वाला खाना यहाँ पे देसी टाइप का, पूजा एकदम मस्त है यहाँ पे, खुश है। और ये आप देखो यहाँ पे, ये नीचे वाला पोर्शन है, और अभी फ़िलहाल ऊपर है, बड़ा ही मज़ेदार है। ये सबका रेट आपको मैं बताऊँगा आगे। बाकी यहाँ पे हवा भी ओपन कर लिया है, यहाँ विंडो, हवा बहुत प्यारी सी चल रही है, खाना हल्का फुल्का सा मैंने मंगाया, और यहाँ पे खाना वगैरह भी जो है वो एकदम आपको घर के जैसा मिलेगा, ये अच्छी चीज़ है। और काफ़ी रिलैक्सिंग फील हो रहा है यहाँ पर, ऊपर बैठो आराम से आप, यहाँ पे गद्दे वद्दे लगे हुए हैं, सो जाओ, आप पार्टनर के साथ आप आओगे तो काफ़ी क्वालिटी टाइम आप स्पेंड कर सकते हो। बाकी आपके पास सर्व करने के लिए आपके पास हमेशा आते रहेंगे, पानी बॉटल मेरी आ गई है यहाँ पर,
काफ़ी मज़ेदार एक्सपीरियंस ये रहा है और यूनिक एक्सपीरियंस और यूनिक स्टे में मिल रहा है, क्योंकि जो भी यहाँ पे चीज़ें देखने को, अलग अलग जो रूम्स बने हुए हैं वो अलग अलग स्टाइल में बने हैं, और ये वाला सबसे बेस्ट जो यहाँ का प्रॉपर्टी का रूम है वो है। सो फिलहाल ये ऊपर का पोर्शन है और नीचे का पोर्शन उधर है, और नीचे भी बेड वगैरह लगा हुआ है। ट्रैवलिंग जो होती है ना, वो कुछ ऐसा नहीं होता है कि आप अलग अलग प्लेस पे घूम रहे हो, भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, वो भी है, उसका अपना मज़ा है और इसका अपना मज़ा है। कई बार आप घूमते घूमते या आप काम करते करते थक जाते हैं, तो जस्ट आपको दो दिन तीन दिन चाहिए होते चिल करने के लिए। और जिस प्लेस पे डी क्वीन में मैं अभी हूँ ना, यहाँ पे जस्ट मैं वहीं करने आया हूँ। मैं चार धाम की यात्रा कर रहा हूँ, इसमें बीच में मैंने एक गैप लिया हुआ है कि दो तीन दिन जस्ट यहाँ पे रिलैक्स करूँगा और कुछ भी नहीं करना है, चिल मारना है यहाँ पे बैठ के। और अलग अलग लोग जो ग्रुप्स आते हैं कैंप्स में या फिर यहाँ पे आते हैं, तो उनसे मिलना, मतलब बात करना, उनके साथ गाना वाना, मज़ा आता है वो चीज़ करना। तो ये भी एक ट्रैवलिंग की वाइब्स होती है, और इसको भी एक्सपीरियंस करें, इसका अलग मज़ा है। डी क्वीन में एक नाइट स्टे के लिए आपको 2,500 से 3,000 रुपए तक देने पड़ सकते हैं, जिसमें ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर इंक्लूड होता है। साथ ही सीजन के अकॉर्डिंग रेट्स ऊपर या नीचे भी होते रहते हैं। तो डी क्वीन की एक नाइट का एक्सपीरियंस लेना तो बनता ही है।